दुकान पे सौदा ले रहा था मनोज भाई की, तो मैंने सर पीछे देखा, वो सर वो फायर मार रहा था, मैं तो दुकान के अंदर भागा। मैं दुकान में बैठा हुआ था, पीछे से बहुत तेज आवाज मिली, किसी ने गोली मार दी, मुझे पता नहीं क्या, मैं तो एकदम गिर गया नीचे। नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्णव रस्तोगी। यूपी के जिला बरेली में शनिवार देर रात दुकान पर सामान खरीद रहे युवक पर नशे में धुत दो दबंगों ने फायरिंग कर दी। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। फायरिंग में युवक तो बाल बाल बच गया, लेकिन छर्रे लगने से एक दुकानदार घायल हो गया है। गोलीबारी की यह सनसनीखेज वारदात प्रेमनगर थाना क्षेत्र के जाटापुरा की है। जिस युवक पर फायरिंग की गई है उसका नाम दीपक बताया जा रहा है और वह जाटापुरा का ही रहने वाला है। दीपक के मुताबिक शनिवार देर रात किसी बात को लेकर उसकी नशे में धुत जतिन सैनी और विकास कश्यप नाम के दो दबंगों से कहासुनी हो गई। उस समय तो दोनों वहां से चले गए, लेकिन एक घंटे बाद रात करीब 10:30 बजे वह मठिया स्थित दुकान से सामान लेने गया तो दोनों ने अचानक से पीछे से आकर उस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान दीपक ने दुकान में घुसकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। वही फायरिंग के दौरान परचून की दुकान में बैठे आत्माराम छर्रे लगने से घायल हो गए। फायरिंग की घटना से इलाके में खलबली मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल आत्माराम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल दीपक ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से मामले की शिकायत की है। वहीं पुलिस तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस मामले में पीड़ित दीपक और छर्रे लगने वाले दुकानदार आत्माराम का क्या कहना है। कुछ नहीं, मैं हमारे गली के सामने टिक्की ढेर लगता है जी। तो मैं टिक्की वहाँ खा रहा था, तो वो हमारे मोहल्ले टेम्पो चलाते केरी सिंह, तो उनसे कहने सुनी होगी वो हमारे रिश्ते में थे, बहनों में लगते हैं, सगे नहीं है, मतलब जैसे बहनों में लगते हैं मोहल्ले के नाते थे ना। जो जिस लड़के ने मेरे मतलब गोली मारी है, वो लड़के बहुत दोनों ड्रिंक करे हुए थे, तो मैं चला गया। मैंने क्या हुआ भाई, कैसे क्या, बोले तू कौन होता है, ये हुआ। तो सर कोई बात नहीं, वो हमारे चौकी मतलब मटकी चौकी के सिपाही जानने वाले हैं, उनको हमने फ़ोन भी करा था, तो वो सिपाही आए भी थे, तो बोले कहाँ गए वो, तो मैंने सर वो तो चले गए, हमने भगा दिया। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं थी। फिर एकदम 1.5 घंटे बाद मैं बाजार गया सौदा लेने, जाडापुरा मटिया पे ना मुनिस नाम की दुकान है, मतलब भैया की उनकी, वहाँ तो मैं सौदा ले रहा था। तो वो जिस लड़के से मेरी तू मैम हुई थी, दो लड़के थे, मैं तो कभी जानता नहीं सर, मैंने कभी पहली बार शक्ल देखी। जितेंद्र नाम है सर बता रहे हैं, और विकास कश्यप है सब। कुछ नहीं सर, मैंने पहली बार देखा सर, तो मैं दुकान में गया, तो मैं दुकान पर सौदा ले रहा था मनोज भाई की, तो उन्होंने पीछे से गाली बकी, बोले अब बता तेरी माँ की ये वो। मैंने सर पीछे देखा, वो सर वो फैर मार रहा था, तो सर मैं तो दुकान के अंदर भागा। आत्माराम का कोई व्यक्ति है वहीं कहीं परचूनी की दुकान है, उनकी भी थोड़ा दुराई पाई है, तो उनके पीठ पर लगी, दो थे सर। सर पकड़ने तो कोई नहीं आया सर, बगैर मेरी जान को खतरा है सर, ये समझ लो आप। तो मैं तो सुनता हूँ भाई, ये बोला वो है वो है, मैं लोगों को मुझे सुन रहा हूँ, तो मैं और टेंशन में पड़ रहा हूँ। लोग कह रहे हैं इस सीरीज की, कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा वाला है, वो तो आए दिन करता रहता है। तो सर मैं तो ठेला कौनचे वाला, मैं तो बीच चौराहे पे खड़ा रहता हूँ सर, मेरी जान को खतरा है, समझ लो सर आप। पुलिस जी कह रही है सर पकड़, क्यों उसके बाप तो पकड़ लिया, उसके बाप को लौंडे को जो पकड़ने गए हैं। हाँ अभी सर कह रहे थे, बोले हम जो पकड़ने जा रहे हैं लौंडो को, बाप को पकड़ लिया। मैं दुकान में बैठा हुआ था, टीवी देख रहा था जी, अब पीछे से किसी ने क्या मारा क्या नहीं मारा मुझे पता नहीं क्या, मैं वहाँ पे एकदम गिर गया नीचे, तब वहाँ कोई नहीं था, मैं अकेला बैठा हुआ था, टीवी देख रहा था, बहुत तेज आवाज हुई थी, देखो किसी ने गोली मार दी। उन्होंने हमें क्या बोलते, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट में आया होगा, मैं दाना जैसा कुछ है, जितने नाम के लड़के।